सरगुजा जिले के अंबिकापुर, सीतापुर और लुंड्रा विधानसभा सीट के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में नामांकन दाखिल किया गया, जहां हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए और शक्ति प्रदर्शन किया गया। अंबिकापुर से भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल, लुंड्रा विधानसभा से प्रबोध मिंज और सीतापुर से रामकुमार टोप्पो ने नामांकन पत्र भरे और जीत का दावा किया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने बताया कि हम लोग तीनों विधानसभा पर से जीत का दावा कर रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा, निश्चित रूप से हम 101% विजयी हो रहे हैं। कितना लग रहा है लोगों का समर्थन, कितना मिलेगा और क्या आपने जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? आज की रैली को देख के आप लोग खुद महसूस करेंगे। सीतापुर का चुनाव तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये सभी जानते हैं इस बार कोई प्रत्याशी नहीं, सीतापुर की जनता चुनाव लड़ रही है। एक तरफ प्रोफेशनल नेता, दूसरी तरफ पूर्व जवान, कैसा देख रहे हैं? ऐसा नहीं है, सीतापुर की जनता ने पत्र लिखकर हमें बुलाया और उनके जवाब के लिए हमने इस्तीफा देकर आई और भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मांग 100% इस बार सरकार बन रही है और तीनों विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। जहां तक मेरी बात है, लुंड्रा विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूं और लुंड्रा विधानसभा तो बहुत अच्छे मतों से हम चुनाव जीतेंगे। प्रीतम राम पहले भी वहां विधायक रहे हैं, डॉक्टर साहब, लेकिन काम उनका कुछ दिखाई नहीं दिया, जनता के बीच में पहुंचे नहीं। और ये जो 5 वर्षों में जो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार रही है, भ्रष्टाचार